हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस निशिया के बारे में, इसको हम किस बीमारी में और किस पोटेंशियल में और किस ड्यूरेशन में यूज कर सकते हैं, मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सिम्टम है, इस निशिया जो है इम्यूनिटी सिस्टम को जो है तेज करती है। जैसे मान लीजिए किसी की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, उसको जल्दी जल्दी सर्दी खांसी होती है, या एक ऐसी बीमारी है जिसको बोलते हैं हम लोग एड्स, उसमें क्या है इम्यूनिटी सिस्टम एकदम खत्म हो जाती है। तो इम्यूनिटी सिस्टम को ठीक करने के लिए इस निशिया मदर टिंचर 10 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए, आपकी इम्यूनिटी पावर ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है कोल्ड एंड फ्लू। आजकल जो है गर्मी का टाइम है, फ्लू का शिकायत बहुत है और बहुत जल्दी ठंड पकड़ती है। अगर आपको जो है कोल्ड एंड फ्लू की शिकायत है, इस निशिया मदर टिंचर 10 बूंद दिन में 3 बार करके ले लीजिए, आपका तुरंत आराम हो जाएगा, आपको कोई एंटीबायोटिक दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है रिड्यूस इन्फ्लामेशन। अगर शरीर के किसी भी पार्ट में सूजन आ गई है वो कोई भी कारण से, तो सूजन जो है आगे और कोई फार्म नहीं ले ले, यहाँ तक कि सेप्टिक पोजिशन नहीं हो जाए, तो आप इस निशिया मदर टिंचर 10 बूंद दिन में 3 बार करके दे दीजिए, आपको आराम हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है करेक्शन ऑफ ब्लड डिस्क्रेसिया। ये जो है खून साफ करने की बहुत अच्छी दवाई है। अगर किसी को गर्मी के टाइम में या किसी भी टाइम में फोड़े फुंसी हमेशा निकलते रहते हैं, तो इसको जो है साफ करने के लिए इस निशिया बहुत अच्छी दवाई है। इस निशिया मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में 3 बार पानी के साथ ले लीजिए। अगर बच्चा है तो उसको 5-5 बूंद करके दिन में 3 बार दे दीजिए, खून साफ हो जाएगा और उसको फोड़ा फुंसी नहीं होगा। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है प्रमोट फ्लो ऑफ सलाइवा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सलाइवा निकलता है सलाइवरी ग्लैंड से, तो वो जो है किसी कारण से उसमें से सलाइवा नहीं निकलता है, अब आपका मुंह जो है पूरा सूखा रहता है, तो इसके लिए जो आप इस निशिया मदर टिंचर 10 बूंद पानी के साथ में ले लीजिए, आपका जो सलाइवा का फ्लो है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है स्नेक बाइट। अगर किसी को सांप काट लिया है, उस जगह को ब्लेड से काट दीजिए और ऊपर के पोर्शन को बांध दीजिए और इस निशिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके 5-5 मिनट पर खिलाते रहिए, जहाँ सांप काटा है उस जगह लगा दीजिए। हालांकि मैं शहर में रहता हूँ, मुझको उसका अभी तक अनुभव नहीं है, लेकिन डॉक्टर हनीमन ने अपने किताब में लिखा हुआ है बोरिक में कि स्नेक बाइट की एक बहुत अच्छी दवाई है, इसको आप लगाइए और 5-5 मिनट पर जो है खिलाइए, और उसके बाद में आप इमरजेंसी में डॉक्टरी हेल्प लीजिए, लेकिन वहाँ पहुँचते जो है पेशेंट की हालत ठीक हो जाएगी। अगर आप गाँव में रहते हैं तो इस निशिया मदर टिंचर अपने घर में जरूर रखिए। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है रिपोर्ट आ गया तो उसमें लिख दिए सस्पिशियस ऑफ मेलिग्नेंसी। अगर किसी को कोई बीमारी है और डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं कि जो है एक कैंसर है कि नहीं है, तो ऐसे मरीज को इस निशिया मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में 3 बार पानी के साथ में लेने से उनकी जो टेंडेंसी जो है कैंसर की वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है स्किन पर। स्किन की एक डिजीज होती है जिसको बोलते हैं इरिसिप्लस। उसमें क्या होता है, आपका स्किन एकदम लाल हो जाता है, उसमें खजुली होती है, दर्द होता है, जलन होता है, तो कहने का मतलब है कि इरिसिप्लस है। तो अगर इरिसिप्लस है तो आपको खाली इरिसिप्लस डिजीज में 200 लेनी है, इसमें मदर टिंचर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इरिसिप्लस में तकलीफ होती है तो मदर टिंचर धीरे धीरे काम करती है। 4-4 बूंद करके 3-3 घंटा ले लीजिए, आपको आराम हो जाएगा। आराम जब हो जाएगा उसके बाद में फिर मदर टिंचर लीजिए, जिससे जड़ से ठीक हो जाए। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है सेप्टिक कंडीशन। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर उस जगह पर सेप्टिक हो गया अगर है, तो आप जो है आंख बंद करके मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में 3 बार इस निशिया ले लीजिए, आपका जो है सेप्टिक कंडीशन है ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको आप इग्नोर करेंगे तो यही सेप्टिक आपका आगे चलकर सेप्टिसीमिया हो जाएगा। इसलिए जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो आप इस निशिया मदर टिंचर ले लीजिए, उसी पर आपका सेप्टिक रुक जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है गैंग्रीन पर। आजकल जो है हमारे पास बहुत सारे पेशेंट का मैसेज आता है कि गैंग्रीन में क्या होता है कि लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, उस जगह पर आस्ते आस्ते जो है ब्लड सप्लाई कम होने लगती है, तो जिस जगह ब्लड सप्लाई कम होने लगती है उस जगह को डॉक्टर काट देते हैं। अगर अंगुली में हो गई है अंगुली काट देंगे, इसके बाद और आगे बढ़ेगा तो फिर काट देंगे, तो ऐसे करते करते उनका पाँव कटते जाता है। अगर जो है आपको डायग्नोसिस में कोई डॉक्टर या आपका मेडिकल रिपोर्ट बोल रहा है कि आपको गैंग्रीन हो गया है, तो आप जो है इस निशिया मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में 3 बार 4 बार 5 बार करके दीजिए गैंग्रीन केस में, आपका गैंग्रीन जो है आगे नहीं बढ़ेगा और दम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, उसका अगला सिम्टम है
और बहुत ही अच्छा सिम्टम है। अगर किसी को पायरिया है या किसी को जेंजिबाइटिस है, माने गम्स में सूजन है और मेवाद कर रहा है और जो है बदबू आती है, तो ऐसे पेशेंट को जो है इसनेसिया मदर नेचर 10 बूंद पानी के साथ मिलाकर वाश करना चाहिए। जितने भी माउथ वाश आते हैं सब में केमिकल रहता है, तो उसका यूज मत कीजिए आप। तो आप इसको माउथ वाश के रूप में काम कर सकते हैं, 10 बूंद करके दिन में 3-4 बार करके गार्गल कीजिए, आपका पायरिया और गम्स का जो सूजन है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है एक्सट्रीम टायर्डनेस। जैसे आप ऑफिस से काम करके आए हैं, आपको लगता है बहुत टायर्डनेस है, पहला सिम्टम हो गया। उसके बाद में टायर्डनेस के साथ में वीकनेस है, एकदम कमजोरी लगती है, और उसके बाद में हाथ पांव में दर्द हो रहा है। ऐसे में आप इसनेसिया घर रखे रहिए, 10-10 बूंद करके दिन में 3-4-5 बार भी ले सकते हैं इसको, जो प्रॉब्लम है कमजोरी की ये ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है फीमेल पेशेंट पर वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन, जिसको बोलते हैं ईस्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, वल्वा एंड वेजाइना में जो है बहुत ही इचिंग होती है, माने उसमें फंगल इन्फेक्शन हो गया है। तो ऐसे फंगल इन्फेक्शन में, ऐसे लेडीज में इसनेसिया मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देने से उनका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है रिकरिंग बॉयल। अगर आपको जो है किसी भी महीना में, विशेषकर गर्मी में, अगर जो है फोड़े फुंसी बार बार होते हैं, तो आप जो है इसनेसिया मदर टिंचर 10 बूंद 3 बार लीजिए। ये जो है रिकरिंग बॉयल के लिए, अगर आपका एक फोड़ा हुआ फिर एक ठीक हुआ फिर एक हुआ फिर एक ठीक हुआ, इसको रिकरिंग बोलते हैं। तो आप 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार इसको लीजिए, आपके फोड़े जिंदगी में कभी नहीं होंगे। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है कि अगर आपको जो है कोई इंसेक्ट काट लिया है, कीड़ा मकोड़ा काट लिया है, या पॉइजन कोई प्लांट से आपको जो है एलर्जी हो गई है और एकदम लाल हो गया, फूल गया है, इसको 10-10 बूंद दिन में 3 बार दे लीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है 2-3 घंटे में आराम हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है ओल्ड टिबियल अल्सर। ओल्ड माने पुराना, टिबियल माने जो घुटना से लेकर नीचे तक जो हड्डी होती है उसको टिबिया बोलते हैं। तो अगर उस टिबिया की हड्डी में कोई घाव हो गया है और वो घाव जो है ठीक नहीं हो रहा है और वो घाव काफ़ी पुराना हो गया है, तो ऐसे टिबियल के घाव में आप जो है इसनेसिया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार पानी के साथ में दे दीजिए, कुछ दिन दे दीजिए, आपका कितना ही पुराना घाव हुआ है, अल्सर हुआ है, वो आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों उसका अगला सिम्टम है फीवर पर जो है, अगर आपको जो है ठंड लगती है और ठंड लगती है और उसके बाद में फिर आपको नोसिया होती है, याद रखिए सिम्टम। अगर आपको ठंड लगती है और उसके साथ साथ में आपको उल्टी की इच्छा होती है, बस 2 सिम्टम है। अगर 2 सिम्टम आपको मिलता है इस सिम्टम के आधार पर 10-10 बूंद करके 2-2 घंटे पर मदर टिंचर ले सकते हैं, इससे आपकी प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों आज मैंने आपको इसनेसिया के बारे में बताया। अगर आप हमसे कंप्लीट ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। तो दोस्तों आशा है आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार। दोस्तों नमस्कार करने के पहले मेरा एक कमेंट है, हमारे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, हमको भी अधिकार है कुछ कमेंट करने का। कुछ पेशेंट का कमेंट आता है कि आप अगर इस तरह से बोलते रहेंगे तो BHMS कॉलेज बंद हो जाएगा। तो हमको ये आश्चर्य होता है, हम तो सिम्टम बोल रहे हैं कि अगर आपको सिम्टम मिल जाए आप दवाई दे लीजिए, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन आपको तो कॉलेज करना ही पड़ेगा ना। कॉलेज में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, मेट्रिया मेडिका ये सब पढ़ाया जाएगा, ये सब तो आपको हम नहीं बता पाएंगे। आपको तो हम सिर्फ सिम्टम बताएंगे जिससे आपको आराम हो जाए। आपके पास परिवार है, आप परिवार वाले हैं, आप दवाई रखे रहिए, आपके बहुत काम आएगी। नमस्कार।